फाइनली मैथ्स लेक्चर आफ्टर फोर डेज या थ्री डेज। फ्राइडे के बाद सैटरडे नहीं हुआ, संडे नहीं हुआ, मंडे भी नहीं हुआ और आज ट्यूसडे को हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। आज सुबह तो बहुत बारिश हो रही थी, तो देखो इंटरनेट आता है, आपका वीडियो अपलोड होता है या नहीं होता है। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह सुबह। चलो तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के NTSC टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा डे 18 है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आफ्टर पॉलिनोमियल। दिस इज द पार्ट ऑफ एल्जेब्रा। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस। बेसिकली बात होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, बट लीनियर इक्वेशंस टॉपिक है तो हमें वन वेरिएबल भी एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेनली हमें क्या पढ़ना है इसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली मैं पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है कि एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। आप अगर 9th के भी हो ना तो भी समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक। तो आरंभ बैच चल रहा है NTSC और JEE के लिए। अगर आप इन फ्यूचर JEE की भी तैयारी करेंगे तो आपका बेस बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, इसका आप मेरे पे विश्वास रखिएगा। मैथ में हमारा टारगेट रहेगा 20 out of 20। हमारी कोशिश रहेगी कि 20 नंबर का जो मैथ्स का पेपर होने वाला है उसमें पूरा अचीव करें, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इसका आज पहला लेक्चर है, अगर आप नए हैं तो यहाँ से भी चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। डेली 4 बजे मैथ्स की क्लास चलती है। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सर्च कर सकते हैं सिंपली रैंकर्स NTSC। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आप लिंक से जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की मिल जाएगी। इसके अलावा आप रैंकर्स डाउट को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में डाउट वगैरह पूछते रहते हैं, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो रैंकर्स डाउट ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस की बात बता दूं तो 4 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। बेसिकली 6:30 बजे वाली ये जो साइंस की क्लास है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, सर के घर पर कोई ज़्यादा बीमार है, तो आप समझ ही सकते हैं पेंडेमिक कंडीशन चल रही है, किसी के घर अगर कोई बीमार है तो हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी, सो कोऑपरेट विद अस। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको 4 बजे और 7:30 बजे वाली क्लासेस देता रहूँ। कुणाल सर विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस अगर इनकी क्लासेस पीछे हो जाएंगी, तो डोंट वरी, 1 घंटे की जगह 2 घंटे आपको पढ़ा देंगे, बट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, जिस समय अगर कुणाल सर नहीं पढ़ा रहे तो उस टाइम का आप अपने सेल्फ स्टडी पर यूज करेंगे। 6:30 बजे समझ लीजिए आपके, अगर 6:30 बजे कुणाल सर नहीं आए तो आप अपना टाइम अपने प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करने में और स्टडी करने में यूज कर सकते हैं। डेली लाइफ चलती है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका ऑफ रखा जाता है ताकि आप रिवीजन कर सकें और पुरानी चीज़ें जो आपकी छुट्टी है, बैकलॉग्स हैं, उसको कवर कर सकें। NTSC की डिटेल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप अगर नए हैं तो जाकर NTSC के बारे में चीज़ों को समझ सकते हैं, हर सवालों के जवाब पा सकते हैं। उसके अलावा क्लासेस की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, साइंस की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और रीजनिंग की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप नए हैं तो Day 1 से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, एक नए चैप्टर से चीज़ों को स्टार्ट करिए, जैसे आज मैथ्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं, नया चैप्टर है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। डन, स्टार्ट किया जाए। चलो, तो ये छोटी सी बात जो आपको मैथ्स के क्लास में बताई जाती है कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, अगर आप कमिट नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को स्टार्ट नहीं करेंगे और आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आप चीज़ों को फिनिश नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें कैसे अचीव की जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से। तो बढ़िया से डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करिए और चीज़ों को समझिए। चलिए अब शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया था कि लीनियर इक्वेशन मतलब, अगर डिग्री आपकी कितनी है भाई, डिग्री आपकी है 1, जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है पॉलिनोमियल में, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया था, किस चैप्टर में, पॉलिनोमियल में। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपका एक्सप्रेशन इक्वल टू के साथ इक्वेट किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में। जैसे अगर मैं सिर्फ लिखूँ 4x + 5 तो ये एक एक्सप्रेशन है, अगर मैं 4x + 5 को इक्वेट कर दूँ 7 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। डन, ये चीज़ समझ में आई, लीनियर इक्वेशन समझ में आ रही है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जहाँ पर एक्स की डिग्री या फिर जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है भैया 1, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होगा,
वन होगा, वही कहलाता है लीनियर इक्वेशन। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ मैं। लीनियर इक्वेशन का आपका आपको आइडिया हो गया हो तो अब मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ से आपको चीज़ें समझनी है। आज की क्लास एकदम बेसिक होगी, बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी ताकि आपके मन में एक जो है वो इस चैप्टर को लेकर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, जब आपको बड़े बड़े सवाल में करवाऊं तो वहां कोई दिक्कत ना हो। ठीक, जब बात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की होगी तो आपको पता है कि वेरिएबल का मतलब वो वैल्यू जो आपकी बदलती रहती है, और वन का मतलब सिर्फ एक। तो उस लीनियर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ 4t + 7 = 8t, तो इस पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं? कहोगे भैया सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है जो कि है टी। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, टी वेरिएबल में एक इक्वेशन लिखा गया है। इसी तरह अगर मैं लिख दूं 4y - 9 + 6 + 18 + 6y, तो ये कितने वेरिएबल में है? कहोगे भैया ये एक इक्वेशन है जो कि कितने वेरिएबल में लिखा गया है? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में, जो कि है वाई। मतलब अगर आपका लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में लिखा जाएगा तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बाद आपको मैं पढ़ाता हूँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, LE से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, इन वन वेरिएबल। सपोज आपको मैं एक लीनियर इक्वेशन दे देता हूँ, जैसे 4x + 5 = 7। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन जैसे ही मैंने पूछा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू आप रखिए जिससे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। बस ऐसी एक्स की वैल्यू रखिए जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर आ जाए। यही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन जब मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा, मतलब अगर सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो ऐसी वैल्यूज आपको खोजनी पड़ेगी जिससे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर रहे। देन तो ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन पूछूं तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, 4x 5 को उस साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा 7 - 5, और यहाँ से 4x = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, और 2/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। इट मीन्स 1/2 एक ऐसी वैल्यू हमारे पास आई है जो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर सेटिस्फाई करती है तो 1/2 इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं सेटिस्फाई करती है तो 1/2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 + 5 = 7। तो सबसे पहले हम LHS को चेक करेंगे, तो LHS आ जाएगा आपका 4 × 1/2 + 5। देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि भैया ये एकदम बेसिक है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर चैप्टर की शुरुआत में कहता हूँ कि मेरा काम है कि सबसे पहले आपको एकदम ग्राउंड लेवल से लेके चलना, ताकि अगर मैं देखो आपको डायरेक्टली वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाऊंगा और सब कुछ डायरेक्टली दूंगा तो आपके ऊपर से चला जाएगा। बट आप स्टेप वाइज चलोगे ना, लाइफ में हमेशा स्टेप वाइज चलना सीखो। सीढ़ी के पहली सीढ़ी पे जरूर चढ़ो, क्योंकि पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे तभी दूसरी सीढ़ी पे चढ़ोगे तो तुम्हें एक हाइट का अंदाजा मिलेगा। अब पहले ही तुम तीसरी सीढ़ी पे चढ़ जाओगे फिर उसके बाद तुम्हें बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो इट मीन्स आप कहने का मतलब यही है, ग्रेजुअली चलो, धीरे धीरे चलो, हर चीज को समझो। डन। चलो तो 2 × 2 = 4, तो ये आ रहा है 7, और ये जो 7 आ रहा है ये राइट हैंड साइड के इक्वल टू है, तो हम कह देंगे यस LHS इक्वल टू RHS है यहाँ पर, सो 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। डन सबको यहाँ तक? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हूँ तो आप पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसा कि नाम लिखा हुआ है आपको आइडिया लग रहा होगा कि भैया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हो, तो हमारे पास दो वेरिएबल अब आएंगे। कितने वेरिएबल आएंगे? दो, जैसे एक्स और वाई वेरिएबल दो आ सकते हैं, टी और यू आ सकते हैं, कुछ भी दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन आ सकता है, दो वेरिएबल दो वेरी कर सकते हैं। जैसे
वी और एस आ सकते हैं, तो कोई भी दो वेरिएबल आ सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिखूँ, आई होप, देखिए डेफिनेशन आप अपनी किताबों से भी पा सकते हैं, मेरा मेन मोटिव है कि आपको चीज़ें समझाना, ठीक है। आई होप मैं उसमें कामयाब हो रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनता जा रहा होगा। मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने टोटल 5 लेक्चर रखे हैं अपने पास, 5 से कम में भी हो जाएगा तो अच्छी बात है, बट मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताऊँगा, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना, क्या रटना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है सब बताऊँगा। चलो तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 4t + 6x = 7, तो ये एक इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसको इक्वल टू के साथ हमने इक्वेट किया है। और हमारे पास कितने वेरिएबल दिख रहे हैं बेटा, क्योंकि भैया हमारे पास दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो टी दिख रहा है और एक तो एक्स दिख रहा है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि इन टू वेरिएबल है। इसी तरह मैं और एग्जाम्पल दूँ, 6x + 7y = 8, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल में है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबको समझ में आया, मतलब जहां पर लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल आएगा तो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट्स वेरी इजी, बट फॉर क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए थोड़ी नई चीज है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, डन, क्योंकि एनटीएससी की प्रिपरेशन में 9th और 10th दोनों को करा रहा हूँ, ठीक है। चल तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल रख दूँ, 2x + 4y = 10, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x और y की अलग अलग वैल्यू रखकर चेक करोगे कि कब LHS और RHS बराबर आ जाएगा। देखो अभी मैं आगे बताऊंगा, जब भी आपके पास जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन होने चाहिए, तभी आप इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप वैल्यू पुट मेथड से चीज़ों को वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज इसके अलावा आपके पास कोई मेथड नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसके लिए आपके पास कोई मेथड नहीं है, सिर्फ अगर एक इक्वेशन दिया गया है और दो वेरिएबल है तो आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करके चीज़ों को चेक कर सकते हो, मतलब हिट एंड ट्रायल वाला मेथड इसे कहते हैं, मतलब आप खुद से वैल्यू रखो और चेक करो कि ये वैल्यू आती है या नहीं आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 = 10 - 4y, और ये आ जाएगा आपका 4y = 10 - 2, तो y = क्या आ जाएगा, 8/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसी तरह और भी पेयर मिल सकते हैं हमें, जगह अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 उधर गया, अरे 2 × 2 = 4, 2 उधर गया 6, और 6/4, या फिर इसे हम कह सकते हैं 3/2, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलती है, 2, 3/2, यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलती है, 1, 2। तो जब भी हम वैल्यू पुट मेथड किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेक करेंगे तो वी कैन फाइंड इन्फिनाइट वैल्यूज, ओके, वी कैन फाइंड इन्फिनाइट पेयर ऑफ वैल्यूज, जब भी हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वाई की अलग अलग वैल्यू हमारे पास आती रहेंगी। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, तो उसके लिए आपके पास दो वेरिएबल में दो इक्वेशन होने चाहिए, अगर 3 वेरिएबल होगा तो 3 इक्वेशन होने चाहिए, अगर 4 वेरिएबल होगा तो 4 इक्वेशन चाहिए, तभी आप चीज़ों को निकाल पाएंगे, अदरवाइज यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल। इट मीन्स टोटली कहने का क्या मतलब है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। तो आप अपने कॉपी में नोट करके लिख लो, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इस चीज को लिख लीजिएगा, डन। यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लीनियर इक्वेशन का आपके माइंड में आइडिया हो गया कि आपका लीनियर इक्वेशन किस तरह से दिखेगा 1 वेरिएबल में, किस तरह से दिखेगा 2 वेरिएबल में। तो अगर यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब दो लोगों का एक साथ आना। जैसे हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारा किसी के साथ पेयरिंग होती है, देयर इज समवन
मतलब हमारे अपोजिट में कोई होता है जिससे जिसके साथ हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है, एक कम्बिनेशन बनाते हैं। इसी तरह हमारी फैमिली में हम अपने सिस्टर के साथ पेयरिंग करते हैं, हमारे भाई बहन का एक रिश्ता होता है। इसी तरह हमारे दोस्तों के बीच में एक पेयरिंग होती है, दोस्ती का रिश्ता होता है। इसी तरह हमारे पेरेंट्स के बीच में रिश्ता होता है, पापा और मम्मी का रिश्ता होता है। इट मीन्स देर आर लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप इन विच देर आर पेयर्स, मतलब दो लोग आते हैं जोड़ी में। इसी तरह बेटा लीनियर इक्वेशन भी आपका पेयर्स में आता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है तो आपके पास पेयर में चीज़ें होंगी, तभी आप उस चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकाल पाएंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। डन। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी कैन बी रियल नंबर्स। क्या हो सकते हैं? ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। अब यार देखो, रियल नंबर तो मैंने पढ़ा रखा है ना, अब इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने नंबर सिस्टम देख रखा होगा तो ए बी सी क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। एक्स और वाई की डिग्री वन होनी होनी चाहिए, ये तो दिख ही रही है। और साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी इनमें से जीरो नहीं होना चाहिए। एक भी अगर जीरो हो गया, एक भी जीरो हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर है? ये बड़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई देखो, अगर ए को सपोज आपने जीरो रख दिया तो ये इक्वेशन आपको क्या दिखेगा? बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर ये बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल। ठीक है, एक मिनट और मैं चीज़ें करेक्ट करना चाहता हूँ। एक बार को इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे अगर इसको मैं जीरो एक्स रख दूँ तो ये जीरो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एक बार चलेगा, लेकिन एक साथ दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये एक साथ दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये कांस्टेंट इक्वेशन बन जाएगा ना, ये कांस्टेंट बन जाएगा और वो चीज़ें प्रूव नहीं हो पाएंगी। ठीक है, मेरे कहने का पूरा मतलब ये है कि आपको कभी भी ए और बी एक साथ जीरो नहीं करने हैं, मतलब दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ऐसी कंडीशन कब आएगी? जब आप अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखिए। आप अपने किताबों में देखोगे ना तो डेफिनेशन ऐसे लिखी रहेगी, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ऐसा लिखने का मतलब ये होता है बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इक्वल टू जीरो तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों जीरो हो। समझ गए? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ क्लियर है सभी लोगों को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऐसी कंडीशन तभी आएगी जब ए और बी दोनों जीरोज होंगे। इस चीज़ को समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है आपको। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। हमारे घर पर देखिए बारिश हो रही है और सभी बच्चे काफ़ी हल्ला कर रहे हैं और इसमें से एक दो की लग रहा है पिटाई होने वाली है। चलो, हाँ, तो नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी इतने सवाल करेंगे वहाँ पे आपको आइडिया दिला दूंगा। तो अब मैं बात करूँगा पेयर की। तो पेयर की जब मैं बात करूँगा तो दो इक्वेशन की बात करूँगा। जैसे उसका जनरल फॉर्म होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन होगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, आप सुन सकते हैं कितनी तेज गरज रहे हैं बादल, जीरो। ठीक है, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये अगर आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं ये तो ये कहलाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भाई बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और आई थिंक यू कैन लिसन द वॉइस ऑफ रेन, इट्स सो गुड। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दिखेंगे, दो इक्वेशन दिखेगा और वही कंडीशन यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2 और c2 क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा, रियल नंबर्स होंगे। साथ ही साथ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो,
ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब भी आपका इस ये लिखा जाए इट मीन्स ए वन और बी वन एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए और इसी तरह ए टू और बी टू एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। ये चीज़ सबको क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें क्लियर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपका आपको एक कुछ एग्जांपल। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूँ 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू जीरो और यहाँ पे लिख दूँ 6x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू जीरो। तो ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू तो क्या आप निकाल सकते हो? जिसको नहीं आता है वो सीख लो एक बार। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं a1 क्या है तो पहली क्वेश्चन में जाओगे x का कोफिशियंट लिखोगे 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि a2 b1 क्या है तो पहली क्वेश्चन में जाओगे y का कोफिशियंट लिखोगे 5। अगर मैं आपसे पूछूं c1 क्या है तो आप 7 जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका कोफिशियंट उसको लिखोगे 7। अगर मैं आपसे पूछूं a2 तो कहोगे भैया 6। अगर मैं पूछूं आपसे b2 तो कहोगे भैया 8। अगर मैं आपसे पूछूं c2 तो कहोगे भैया -7। यही गलतियां, अभी और गलतियों करने का तरीका बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं 6x माइनस 8y इक्वल टू 17 और एक इक्वेशन दे दूं आपको 4x माइनस 4x इक्वल टू 7y माइनस 9। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे मुझे बताओ a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा और a2 क्या होगा, b2 क्या होगा और c2 क्या होगा। आपके दिमाग में जनरल फॉर्म सिर्फ एक चलनी चाहिए, कौन सी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। इससे आप कंपेयर करके मुझे जल्दी जल्दी वैल्यू बता दीजिए। आई एम वेटिंग 30 सेकेंड ओनली। क्लियर? मैं देख लूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आज बैकग्राउंड की आवाज़ में बारिश आ रही होगी तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। अब जो है सो है, वी कांट कंट्रोल नेचर, इट्स नॉट इन आवर हैंड। चलो, आई होप सभी बच्चों ने जवाब दिया होगा। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अगर आपको टेंशन होती है, आपको दिक्कत होती है तो इसको हमेशा इस फॉर्म में रखिएगा 6x माइनस 8y, इस 17 को इस साइड लाइएगा, माइनस 17 इक्वल टू जीरो। अब ये आपके जनरल फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू माइनस 8, c1 की वैल्यू माइनस 17। जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं अपना आप क्लियर कर लीजिए। अब ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है तो आप सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 4x माइनस 7y माइनस 9 को इधर लाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस 7, c2 की वैल्यू प्लस 9। ठीक, डन। इस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, इसका भी यूज करेंगे सॉल्यूशन निकालते वक्त। ठीक है, चलिए। तो भाई अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना वो हमेशा लीनियर स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 4x प्लस 5, 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू जीरो एक लाइन है, ये लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, समथिंग ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये कभी भी इस तरह से या इस तरह से ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब दो इक्वेशन आएगी। अब दो इक्वेशन आपको तीन तरीके से आपको दिखाई दे सकती हैं। या तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करें, जब आप ग्राफ पे इनको प्लॉट करेंगे, या तो ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करें, या तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, ऐसे एक दूसरे के जस्ट ऊपर चढ़ जाएं, इसे हम कहते हैं कोइंसाइड कर जाएं, या फिर ये एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक, ठीक है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बन सकती है। आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि भैया ये पैरेलल ना हो के थोड़ा सा तिरछी हो, तो मेरे दोस्त ये थोड़ी सी तिरछी होंगी ना, ये एरो का मतलब होता है कि ये लाइन बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं जाकर आगे मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो,
तो मेरे मेरे तरफ से यही है कि इन तीन के अलावा आपके पास और कोई भी कंडीशन अराइज नहीं हो सकती है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये है तीसरी कंडीशन। एकदम बेसिक से चल रहे हैं बेटा, एकदम आराम से प्यार से, ठीक है। तो ये ग्राफ पे जब भी आप लाइंस को प्लॉट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, तो आपको तीन कंडीशन मिलती है। पहला, ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें, दूसरी, ये लाइन एक दूसरे के एकदम जस्ट ऊपर हो, तीसरी, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब समझ में आता है ना? हाँ, दोनों के लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। ग्राफ पे जब भी आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये तीन कंडीशन आपको दिखाई देती हैं। अगर यहाँ तक थ्योरी समझ में आ गई हो तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है चैप्टर का। अब बढ़ते हैं जो मेन मेन चीज़ है यहाँ का। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसी का सॉल्यूशन निकालने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। ये समझ लीजिए आप क्लास 10th के बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो। हालांकि ग्राफिकल में आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ग्राफिकल सॉल्यूशन आपके बोर्ड्स में पूछा जाएगा। जो ग्राफिकल का यूज आपके NTSC में होगा वो आपको यहाँ पढ़ाऊंगा मैं। तो सॉल्यूशन निकालने का 4 तरीका होता है। पहला, ग्राफिकल, ठीक है। मेनली 2 तरीके होते हैं, एक तो ग्राफिकल और दूसरा एल्जेब्राइकल या एल्जेब्रिक, इसे जो भी कहते हैं। एल्जेब्राइक तरीका होता है और ग्राफिकल तरीका होता है। एल्जेब्राइक में भी हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है। 3 मेथड से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सॉल्यूशन का मतलब तो आप क्लियर है ना? सॉल्यूशन का मतलब कि ऐसी वैल्यूज निकालना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। तो आपके पास जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे तो उनके सॉल्यूशन को निकालने का आपके पास 3 तरीके हैं। मतलब 2 मेन तरीके हैं, उन दो दूसरे के 3 टाइप होते हैं। पहला तो ग्राफिकल, दूसरा एल्जेब्राइक। इस एल्जेब्राइक के 3 टाइप है, कौन कौन सा? पहला सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एलिमिनेशन, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये सारे मेथड हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन, ठीक। बस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है। या तो आप ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, या तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, या तो एलिमिनेशन यूज करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। ग्राफिकल बेसिकली आप कहीं पे भी बहुत कम यूज कर करते हैं, क्योंकि आपको इसमें बहुत लंबा चलना पड़ता है। हालांकि बोर्ड्स एग्जाम में आपके ग्राफिकल पे क्वेश्चन डन आते हैं, कन्फर्म आते हैं, ठीक है। तो वो तो बोर्ड में आपको मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा। तो इस तरह से 4 तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो पहला है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब चलिए मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान से पढ़ाता हूँ, एक चीज सिखा देता हूँ, ठीक है। जब भी आपके पास 2 इक्वेशन दी रहेगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें लिखते चलिएगा आप लोग। तो आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपने प्लॉट मतलब अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पर, तो आपको 3 कंडीशन मिलेगी। पहली कंडीशन, ग्राफ की लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ, लाइन L1 और L2 एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ। सपोज ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर, या फिर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। दूसरी कंडीशन होती है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें, ठीक है। कोइंसाइड करने का मतलब सेम एक दूसरे के ऊपर पड़ें, ठीक है, थोड़ा सा भी वेरी ना करें। तो ये दूसरी कंडीशन होती है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। तीसरी कंडीशन होती है, एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक। तो ये 3 कंडीशन बनती है जब भी आप ग्राफ पे लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन 3 कंडीशन में पहली कंडीशन, इसको क्या लिखते हैं हम? व्हेन क्रॉस ईच अदर, लिखते चलिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कोइंसाइड, और तीसरी कंडीशन है पैरेलल, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा आज वाले लेक्चर में, आपको एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल से बढ़िया लेवल का क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो कल तो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा।
होता है ना, यही चीज है। अब देखो क्रॉस जो जब ईच अदर करते हैं तो आपको सिर्फ कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, वन सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा आपको, जब भी आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना इसको, ये जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला, यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। यहां पर आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक वाई की वैल्यू मिलेगी और ये होगा आपका सॉल्यूशन। और इसे हम कहते हैं वन सॉल्यूशन। मतलब जब भी ग्राफ की लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा केस आता है जब ये एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं तो आपको इस पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक, आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि मतलब जितनी बार एक दूसरे को लाइन टच करती है उतनी बार आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो इस कंडीशन में एक दूसरे को लाइन कितनी बार टच करेंगी, क्योंकि भैया यहाँ भी करेंगी, यहाँ भी, 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 बहुत सारी जगह करेंगी। इसलिए इस कंडीशन में आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब एक कंडीशन आती है तीसरी पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपकी लाइन कभी भी एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी। सपोज ये मेरा एक पेन है और ये मेरा एक पेन है, अब ये एक दूसरे के अगर पैरेलल है और मैं इन दोनों को सीधे चला रहा हूं तो ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी, बिल्कुल कभी नहीं मिलेंगी। तो क्या कभी जब मिलेंगे ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बिल्कुल नहीं भैया। तो ये कंडीशन होता है आपका नो सॉल्यूशन का, किसका, नो सॉल्यूशन का। डन, दिस इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ वन सॉल्यूशन। अब यहीं पे दो और चीजें आपको सीखनी होती हैं। देखो मैं सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक, अब जिस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, लिख लो अपने कॉपी में, कंसिस्टेंट। और जिस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसे कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आपको कितने कंडीशन में मिल रहा है, दो कंडीशन, या तो आपका वन सॉल्यूशन आए या तो आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आए। इसमें भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसमें भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और ये जिस कंडीशन में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस करेंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, एक पॉइंट पर मिलेंगी तो वो होता है वन सॉल्यूशन। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, ठीक है, ये होता है कंडीशन कोइंसाइड करने का, एक दूसरे के ऊपर अगर कोइंसाइड करती है तो बहुत सारे जगह पर ये मिलेंगी, बहुत सारे जगह पर अगर मिल रही होंगी तो वो कंडीशन होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का। अब लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये लाइफ में कभी एक दूसरे को टच तक नहीं करेंगी, जब एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो ये कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं देंगी, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। दो कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एक तो वन सॉल्यूशन, एक तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। और जब आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो वो कौन सी कंडीशन होगी, जब आपकी लाइंस पैरेलल होंगी। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब डन, एक बार सभी लोग बता दो कि यहां की चीजें, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सभी लोगों को क्लियर हुआ, क्लियर है, बढ़िया से। किसी भी फेज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, चलो, तो आई होप कि अगर मैं आप लोगों को ग्राफिकल का एक भी सॉल्यूशन का सवाल ना कराऊं तो तुम लोग कहोगे भैया ग्राफिकल आपने नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले ही लिया है तुम लोगों के लिए ताकि मैं तुम लोगों को ग्राफिकल पढ़ा दूं। लेकिन आपको पता ही है कि ग्राफिकल आपको प्रूव करने के लिए वहां नहीं आएगा, ग्राफिकल आपको दिया जाएगा, मे बी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो ग्राफिकल मेथड से, बट आप एल्जेब्राइक मेथड से ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, ये चीज़ें बोर्ड्स में पूछी जाती हैं। तो आपको मैंने दो इक्वेशन दे दिए, ये दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है इसको ग्राफिकली। तो चलो मैं मेथड बता देता हूँ, हालांकि मैं इसको जब बोर्ड्स के लेक्चर आपको आएंगे इस वीक पॉलिनोमियल के बाद, अगले वीक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा, तो वहाँ पे तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, तो करना क्या होता है, आपको x और y की यहाँ पे वैल्यू निकालनी होती है पहले इक्वेशन की। ठीक, x और y, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखो, सपोज अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो इस कंडीशन में y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म खत्म, 5 उधर भेजोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ, y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3।
क्लियर है। इसी तरह अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ, यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरह अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। नहीं दिख रही है तो आप कॉपी पे सॉल्व करो, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू यही आएगी, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू यही आएगी। तो ये आपके पास अब पॉइंट्स आ गए हैं, कौन कौन से, एक तो पॉइंट ए आया है 0, 5, ये पोजीशन आपकी एक्स एक्सिस की होती है, ये पोजीशन आपकी वाई एक्सिस की होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लीनियर इक्वेशन में इतना प्यार से समझाऊंगा, इतना बेसिक से समझाऊंगा कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बी पॉइंट कौन सा होगा, 5/3, 0, ठीक, इसे एब्सिसा कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे बात करूँ तो सी पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0, -5। इसी तरह डी पॉइंट की बात करूँ तो 5/2, 0, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब देखो इसको एग्जैक्ट आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, हालांकि मेरे ग्राफ पे आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस क्रिएट हो सकती है, बट आई विल ट्राई कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मैं दे पाऊँ। एक मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्लियर, ये 6 है। इसी तरह इधर मैं मानूंगा तो -1, -2, -3, -4, -5, इसको और बढ़ा सकते हैं, -6। एरो का मतलब होता है ये लाइन बढ़ेगी, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इधर -1, -2, -3, -4, -5, क्लियर है। चलिए तो अगर मैं बात करूँ पहले पॉइंट को प्लॉट करने की, तो ए पॉइंट है आपका 0, 5, मतलब एक्स एक्सिस पर वैल्यू 0 है, वो वाई एक्सिस पर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो कुछ यहाँ पर होगी ए पॉइंट, ठीक है, ये होगा 0, 5। बी पॉइंट 5/3, 0, 5/3 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो 5/3, ये सारी चीज़ें रेशनल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा दिया था, रेशनल नंबर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से ज़्यादा, 2 से कम, तो यहाँ पे आएगा आपका कौन सा पॉइंट, 5/3, 0, ठीक है, ये पॉइंट आया बी। अब देखो आपको ए बी को मिलाना है, और जैसे ही आप ए बी को मिलाओगे आपके पास लाइन 1 की इक्वेशन की ग्राफ आ जाएगी। अब यही को, इसी को मिलाने में मैं पागल हो जाता हूँ, देखो ये देखो मेरा लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है ना, जानता हूँ, चलो कोई नहीं, तुम्हें समझ में आ जाए, बस इतना ही मेरा मेन मोटिव है। तो ये एक लाइन होगी, ये कौन सी लाइन है, अब यहाँ पे आप लिखोगे 3x + y - 5 = 0, दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट, ओके। और ये सारी चीज़ों को आपका NTSC में कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड बात करूँगा 2x - y - 5 = 0, तो यहाँ पे सी पॉइंट है 0, -5, 0, -5, तो ये यहाँ आएगा कहीं 0, -5। और बात करूँ डी पॉइंट की तो ये आएगा 5/2, 0, 5/2 का मतलब होता है 2.5, यहाँ आएगा कुछ, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका डी, और ये हो जाएगा आपका 5/2, 0। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाओ, तो जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, कहोगे भैया ये 2 और ये -1, तो ये क्या आ गया आपका 2-1, क्लियर है, ये क्या आया 2-1, मतलब अगर आप इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख दो और y की वैल्यू -1 रख दो तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन के लिए। यही इस चीज़ की खूबसूरती है कि आपको x और y की ऐसी वैल्यू मिल गई जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये ऐसा पॉइंट है, मतलब देखो होता क्या है, इस लाइन पर जितनी भी पॉइंट होगी, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये सारे पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। आज मैं आपको ग्राफिकल का मेथड का मीनिंग समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। तो ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो इस वाले पॉइंट पर भी लाई करेगा और इस वाले पॉइंट पर भी लाई करेगा, ठीक है। तो आपका आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि 2, -1 ऐसा पॉइंट है जो दोनों पर लाई करेगा। एक बार चेक करा के दिखा दूं, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 + -1 - 5 = 0 आ रहा है क्या, 6 - 1 - 5, ये आ जाएगा 6 - 6 और कितना आ रहा है 0, मतलब पहला तो पास हो गया। दूसरे में रखते हैं 2 × 2 - -1 + 1 हो जाएगा -5, तो ये हो गया 5 - 5, 5 - 5 कितना हो गया 0,
क्लियर, डन, समझ में आया, बढ़िया से। चलो आई होप बच्चों ग्राफिकल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अगर जैसे मैं आपका, अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करते, आपकी लाइन ऐसे ऐसे पैरेलल आ जाती, तो आप क्या कहते, भैया यहाँ पे नो सॉल्यूशन। इसी तरह जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करते और आपकी लाइन ऐसे कोइंसाइड करती, एक लाइन ये होती और एक लाइन भी इसी के ऊपर कोइंसाइड करती, तो आप क्या कहते भैया, कि ये भैया इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता। कभी कभी और कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, मे बी आपके एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको क्या दे दिया गया, तीन लाइन दे दी गई और आपको ग्राफ भी बना दिया गया, ऐसे ग्राफ बना दिया गया, ऐसे ग्राफ बना दिया गया, ऐसे ग्राफ बना दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल का वर्टिसेस बता दो, तीन ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों लाइन, एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2, ठीक है, इन दोनों लाइंस और यूजिंग x एक्सिस, यूजिंग x एक्सिस, तो ये x एक्सिस है, तो आपको एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल। हाँ, क्वेश्चन एनटीएससी में यहाँ से आ सकता है, ये मैं गेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है किस किस लाइंस का यूज करके, एक तो लाइन L1, एक तो लाइन L2 और एक तीसरी लाइन x एक्सिस, ठीक है, इसका यूज करके एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल का आपको वर्टिसेस पूछा जा सकता है, इसका वर्टिसेस होगा, वर्टिसेस मतलब कोना होता है, इसका वर्टिसेस होगा और इसका वर्टिसेस होगा। तो आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा करेक्ट ऑप्शन बताओ, ग्राफ बना के, ग्राफ पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, गारंटीड है, ठीक है। तो डन है, तो आपको मिल जाएगा। हाँ, अब एक चीज़ और मुझे बतानी है आपको, कि अगर आपसे मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस का आप मुझे बता दो इक्वेशन, तो क्या कहोगे? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है बेटा वाई इक्वल टू जीरो, ऑलवेज। मतलब एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू हो, कोई भी, इवन कोई भी वैल्यू हो, वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी इस पे। सपोज अगर आपको मैं रख दूँ 5, 0, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। अगर मैं आपसे कह दूँ यहाँ पे है 3, 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। इट मीन्स ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, उसका इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे वाई एक्सिस का इक्वेशन बताओ, तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। कहोगे भैया, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि वाई एक्सिस का इक्वेशन, तो एक्स की वैल्यू हमेशा यहाँ पे जीरो होगी, तो ये होगा इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है क्या? और सवाल दूँ? चलो, अगर ये मेरा पॉइंट है 4, 0 और इस पर मैं खींच दिया एक लाइन, वेट, बारिश तो आज रुकी नहीं रही है यार, लाइट आ ही नहीं रही है, लाइट नहीं आएगी तो आपकी नेक्स्ट क्लास कैसे रिकॉर्ड होगी, लैपटॉप चार्ज नहीं रहेगा। तो ये है एक लाइन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मुझे इक्वेशन बता दो, तो आप क्या मुझे बताओगे इक्वेशन, जल्दी से बताओ। कहोगे भैया, जब ये वाली लाइन एक्स इक्वल टू जीरो थी, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी, तो ये वाली लाइन क्या होगी, एक्स इक्वल टू फोर, क्या होगी, एक्स इक्वल टू फोर। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा 4 होगी, y की वैल्यू अलग अलग डिफर कर सकती है, इट मीन्स 4 हमेशा कांस्टेंट होगा, x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। इसी तरह का आपसे इस तरह का पैरेलल, इस तरह की लाइन पूछी जाए, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती, सपोज ये 0, 2 है, तो ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी y इक्वल टू 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, जब 0 एक्सिस पे 0 पे जाता था, जब y की वैल्यू 0 थी तो y इक्वल टू 0 इक्वेशन था। इसी तरह अगर y की वैल्यू 2 होगी तो y इक्वल टू 2 इक्वेशन होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका यूज आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं, ठीक है, डन। तो यहाँ पे ग्राफिकल आपका एंड होता है, ग्राफिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास टॉपिक नेक्स्ट आएगा, एल्जेब्राइक मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और इस पर आपको एनटीएससी में एक क्वेश्चन गारंटीड मिलेगा, जो आपको अगले 10 मिनट में आपको समझाने वाला हूँ, एकदम बढ़िया बता दे रहा हूँ, उस पर बेस्ड हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलजेब्राइक के कितने मेथड होते हैं बेटा, ओके भैया, पहला आपने बताया था हमें सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आपने हमें बताया था एलिमिनेशन, और तीसरा आपने हमें बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपने बताई थी, तो इन तीनों को आप सिखाएंगे ना भैया? बिल्कुल यार, क्यों नहीं सिखाएंगे।
उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे आप जब ग्राफ को देख रहे थे ऐसे क्रॉस, तो आप कह दे रहे थे वन सॉल्यूशन। जब आप ग्राफ को ऐसे देख रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो आप कह दे रहे थे इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब आप ग्राफ को ऐसे पैरेलल देख रहे थे, तो आप कह दे रहे थे नो सॉल्यूशन। मैं इतनी बार आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूंगा कि आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। और ये आपने बताया था भैया ये दोनों कंडीशन होती है कॉन्सिस्टेंट की। लाइफ में कॉन्सिस्टेंट रहोगे तो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, या तो एक चीज़ मिलेगी या तो बहुत कुछ मिलेगी। बट आप लाइफ में इनकंसिस्टेंट रहोगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देख रहे हो, ये लाइव एग्जांपल है, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट रहेगा तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो भैया क्या हमें जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे और जाकर चेक करेंगे? बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया कि आपको जब भी आपको एल्जेब्राइकली भी चीज़ें अगर दिख जाएं, तो आप ये चीज़ें जो आप ग्राफ बना के पता कर रहे थे, आप देख के पता कर सकते हो। उसका तरीका होता है, जैसे आपको दो इक्वेशन दिए गए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, दूसरा दिया गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिए गए। अगर पहली कंडीशन कही जाती है कि आप यहाँ पे चेक करना a1 अपॉन a2, और अगर ये इक्वल टू नहीं होता है b1 अपॉन b2 की, तो ये कंडीशन होती है आपकी वन सॉल्यूशन की। किसकी? वन सॉल्यूशन की। ग्राफ पे आप इसको देखेंगे तो ये क्रॉस ईच अदर होगा, और इसका नेचर आप पूछोगे तो ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट, ठीक। यहां पे आप लिख सकते हैं इसको, इसका आप टेबल बना सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये नेचर कहलाता है, ठीक, क्लियर। तो जब भी आपको आपके पास ये दो इक्वेशन मिलेगी, तो आप वहां से फटाफट क्या करना, a1 की वैल्यू निकालना, b1 की वैल्यू निकालना, c1 की वैल्यू निकालना, a2 की वैल्यू निकालना, b2 की वैल्यू निकालना, और c2 की वैल्यू निकालना। और ध्यान क्या देना है कि हमेशा ये जनरल फॉर्म में हो, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो आपको c1 अपॉन c2 चेक ही नहीं करना है, ठीक है। आप एक और काम कर सकते हो, साथ ही साथ a1 अपॉन a2 निकाल लेना, b1 अपॉन b2 निकाल लेना, और c1 अपॉन c2 निकाल लेना। अगर आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो वन सॉल्यूशन होगा, वो क्रॉस ईच अदर होगा, और वो कंसिस्टेंट होगा नेचर वाइज, ठीक। अब दूसरी कंडीशन आती है जब आपका तीनों ऐसा आ जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो ये कंडीशन होता है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक। अभी आपके लिए नई है, चीज़ों को सीखिए। ये क्या हो जाएगा कंडीशन बेटा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर ग्राफ का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर आना, ठीक। और इसका नेचर पूछा जाएगा, तो अब तो आप मेरे को बता ही दोगे कि भैया कंसिस्टेंट होगा। अब तीसरी कंडीशन आती है जिस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलती है, ये कंडीशन होती है, यहां पर आपको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो दिखता है, बट आपको c1 अपॉन c2 नहीं दिखता है। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाती है, ये कंडीशन होती है हमारी नो सॉल्यूशन की, ठीक। और ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ये हो जाता है पैरेलल। और ये नेचर वाइज पूछा जाए आपसे तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी पे लिखना है, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट वालों में नहीं हूं, ठीक है। इसको लिखो और आज अपनी NCERT उठाना क्लास 10th की, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे ना वो प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो अभी मैं तुमको दो चार सवाल और करवाऊंगा इस पर बेस्ड, ताकि आप देखता हूँ कि आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, देख के चीज़ों को पता कर पाते हो। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, इस पर बेस्ड आपके NTSC में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अब मैं लिखने जा रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चंस। तो चलिए भाई, आपके सामने तीन क्वेश्चन लिखे गए हैं, आपको दिया जाता है घड़ी के हिसाब से 60 सेकेंड, ठीक है। इन तो तीनों क्वेश्चन का ऑर्डर वाइज मुझे आंसर बताइए जल्दी से।
आज एक वीडियो आई होगी, हार्डवर्क कैन सरपास टैलेंट, मेरे को दिल से बहुत अच्छी लगी थी। और पहला पहले व्यक्ति कौन थे पता है? वो थे आपके जो TBF एस्पिरेंट्स नहीं है उसके डायरेक्टर हैं, वो सब IIT से पढ़े हुए हैं, बट फिर भी वो मूवी वगैरह में काम करते हैं, फिल्म बनाने या सीरीज वगैरह में। क्यों? क्योंकि उनका वो इंटरेस्ट था और उसके लिए उन्होंने मेहनत किया। वो यही कहते हैं कि हमारी टीम पूरी हार्डवर्क करती है और हार्डवर्क कैन सरपास टैलेंट। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इतना मेहनत करो ना कि आपको चीज़ें सब याद हो जाए, सब आपके दिमाग में बैठ जाए। आपको सिर्फ मेहनत करने आना चाहिए बस। कभी भी आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि आप थोड़े से कमज़ोर हो तो आप नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। बस मेहनत करो। और उसी तरह IPS मैम, वो भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर हैं, किरण बेदी, ठीक है, महिला IPS ऑफिसर, लेडी IPS ऑफिसर। तो उन्होंने भी वही बात कही कि हार्डवर्क करते रहिए, आप लाइफ में अचीव करेंगे। मे बी आप देखिए लाइफ में मेहनत करिए, कहीं पे आप फेल हो जाएंगे, कहीं पे आप पास हो जाएंगे, बट आप सीखेंगे बहुत कुछ, ठीक है। तो हार्डवर्क करते रहिए। चलिए, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, एक एक करके आंसर्स निकाले होंगे। तो पहली कंडीशन क्या बन रही है, एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि बेसिक कैसे किया जाता है। बेसिक आपको A1 इक्वल टू क्या रखना होगा, 4। B1 इक्वल टू क्या आएगा, -5। आपके दिमाग में जनरल फॉर्म चलना चाहिए। C1 इक्वल टू क्या आएगा, -12 आएगा। इसी तरह अगर A2 की बात करूँ तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा क्या, 10 आ जाएगा क्या? नहीं बेटा, ये ATEX है। बहुत सारे बच्चों से गलती होती है, ATEX को इस साइड लाओगे, इस साइड लाओगे तो ये -ATEX होगा। जब ये -ATEX होगा तो A2 की वैल्यू होगी -8, B2 की वैल्यू होगी आपकी +10 और C2 की वैल्यू होगी +20। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, A1/A2 ये आ जाएगा आपका 4/-8। पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका -1/2। सिमिलरली B1/B2 की बात करूँ, ये सिर्फ इक्वल टू है यार, B1/B2 की बात करूँ तो -5/10 आएगा, ये आ जाएगा आपका -1/2, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तब तो आप C1/C2 के लिए प्रोसीड करेंगे। अगर ये नहीं दिखता तो आपको प्रोसीड नहीं करना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा -12/20, जो कि हो जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, -3/5। तो यहाँ पे आपको कौन सी कंडीशन मिल रही है, -1/2 = -1/2 = -3/5। तो ये कौन सी वाली कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो अभी आपको ऊपर क्या पढ़ाया है, ये कौन सी कंडीशन होती है, धीरे धीरे याद होगी। नहीं याद हो रही है कोई बात नहीं, कॉपी पे लिखो, पढ़ो, करो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, ठीक। पैरेलल लाइन मतलब ये एक दूसरे के, अगर पूछा जाए कितने सॉल्यूशन निकलेंगे तो कहोगे भैया 9 सॉल्यूशन। अगर पूछा जाए नेचर कैसा है इसका, तो कहोगे इनकंसिस्टेंट। सारे सवाल के आप जवाब दे सकते हो और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये अटेम्प्ट कर दिया होगा तो सेकंड भी किया होगा। सेकंड की बात करूँ तो A1/A2 अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है। जब आप चीज़ों को सीख चुके होगे तो आप डायरेक्टली भी करना आ जाएगा आपको। B1/B2 की बात करूँ तो मैं आपका आ जाएगा 2/6, दैट इज 1/3। और अगर आपको C1/C2 की बात करूँ तो ये -4/-12 है, तो मैं अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकता था, ये आ जाएगा आपका 1/3। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये कंडीशन बन रही है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ये कौन सी वाली कंडीशन होती है बेटा, ये वाली कंडीशन होती है कोइंसाइड करने वाली, ठीक है। जब आपको चीज़ें कोइंसाइड करें, तो जब ये चीज़ें कोइंसाइड कर रही है इट मीन्स क्या होंगी, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से होंगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, कहोगे भैया इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे। और अगर आपका नेचर पूछा जाए तो कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट तब होता है जब आपको सॉल्यूशन मिलता है। तो इसी तरह आपने तीसरा भी किया होगा, तो तीसरा में A1/A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/7 आ जाएगी। B1/B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/6 आएगी। तो अगर आपको दिख रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं तो आपको C1/C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है आपका A1/A2 = B1/B2। जब आपको नॉट इक्वल टू मिलेगा तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी 1 सॉल्यूशन वाली, क्रॉस ईच अदर इसे कहते हैं, ग्राफिकल अगर पूछा जाए, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए नेचर कैसा है तो कहोगे कंसिस्टेंट, ठीक। इसको एक और चीज़ बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक एकदम, दुनिया में एक अकेला बंदा ऐसा है। डन, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? तो आई होप अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद आगे आने वाली क्लासेस में हम वर्ड प्रॉब्लम सीखने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम से जिस जिस बच्चे को डर लगता है, सबको बता रहा हूँ कि एक एक बच्चे के अंदर से डर दूर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है और मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? तो आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको एनसीईआरटी खोलनी है अपनी क्लास टेंथ की, ठीक है? जो नाइन्थ वाले हैं वो भी गूगल करके टेंथ की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और वहां से इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करना, सब हो जाएगा, ठीक है? डन। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो पहला दिन था आज आपका लीनियर इक्वेशन का। अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आई है। अगर कहीं दिक्कत आई है तो मैं उसको फिर अगले दिन उस चीज़ को समझा दूंगा, क्योंकि आगे तो क्लासेस होंगी होंगी, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 6:30 बजे कुणाल सर की, अगर सर लेते हैं क्लास। फिर उसके बाद रीजनिंग की क्लास 7:30 बजे, अगर पॉसिबल रहा, लाइट ने साथ दिया तो आपकी वीडियो आएगी, अगर नहीं आने वाली होगी तो मैं बता ही देना हूँ आपको, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।